यूपी पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में ग्रीन सिटी क्लीन सिटी के अंतर्गत पुलिस लाइन परिसर में पुलिस स्वच्छता सप्ताह कार्यक्रम मनाया गया तथा एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे एवं उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर श्रुति बोत्रे, क्षेत्राधिकारी लाइन उमेश कुमार दुबे, प्रतिसार निरीक्षक गोरखपुर एवं आरटीसी प्रभारी तथा पुलिस लाइन के जवानों एवं महिला रिक्रूट आरक्षियों के द्वारा पुलिस लाइन के विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत साफ सफाई कराया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर श्रुति बोत्रे ने कहा, देश के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो एक अभियान शुरू किया है स्वच्छता अभियान, भारत स्वच्छता अभियान, जिसके अंतर्गत सभी विभाग जो हमारे देश में सभी विभाग हैं उन्होंने एक तरीके की पहल ली है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश की जो डीजीपी सर हैं उनकी जो मैडम हैं मिसेस नीलम सिंह, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पहल ली है इसके चलते, उन्होंने एक वीक शुरू किया, एक सप्ताह शुरू किया है पुलिस स्वच्छता अभियान सप्ताह, जो कि मनाया गया और चल भी रहा है 29/9/18 से 5/10/18 तक, जिसके चलते हमारी जो एसएसपी मैडम हैं मिसेस पुष्पांजलि देवी, उनके सहयोग से हम लोगों ने एक ये स्वच्छता अभियान शुरू किया गोरखपुर में पुलिस लाइंस में, जिसमें 350 पुलिस कर्मियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज सुबह 7 बजे से हमने ये अभियान शुरू किया, जिसमें हमने जो हमारी जो रिजर्व लाइंस है जिसमें इतनी गंदगी है जिसको देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है, उसको सही करने का, पुलिस लाइंस को, गोरखपुर की पुलिस लाइंस को सही करने का, उसको सुंदरता उसमें थोड़ा सा एक मैं बोलना चाहूँगी उसको थोड़ा सा सुंदरता उसकी बढ़ाने के लिए हमने ये अभियान शुरू किया, जिसके चलते हमने काफ़ी सफाई आज की है और कई जगह हमने डस्टबिन्स रखे हैं, लोगों में अवेयरनेस एक जागरूकता पैदा की है कि जब भी आप कोई अपनी जगह पर रहते हैं तो उसको सफाई और उसको साफ रखिए, जिसके चलते हमको काफ़ी कम बीमारियां होती हैं अगर सफाई रखते हैं तो। मैं एक पेशे से एक डॉक्टर भी हूँ, तो हमने ये एक इस चीज़ की पहल की है आज।